पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण और भगवाकरण, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है यूपी की चुनावी सियासत का सारा ताना बाना, जिसके एक छोर पर हैं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को दूसरे छोर पर बताकर बीजेपी हमला बोल रही है। लेकिन अब सत्ता के इन्हीं दो छोर के बीच केंद्र बनाने की कोशिश में हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देकर यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। विरोधी इस बयान को ओवैसी के ध्रुवीकरण वाले प्लान का हिस्सा बता रहे हैं, तो बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली नीति का नया चेहरा। उसके बाद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आदित्यनाथ को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबका मकसद है। आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे का मतलब कि आप चुनाव को पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ मुद्दा है या उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा गुंडागर्दी की गई है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बिजली के दाम आसमान पे पहुंचे हैं वो मुद्दा है? अब तुष्टिकरण की राजनीति में ओबीसी, कांग्रेस और सपा रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये सब मिलकर के भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकते। लेकिन इन हमलों से ये बात तो साफ है कि यूपी के चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बेचैनी उन दलों में है जिनके मुस्लिम वोटरों पर पकड़ मजबूत है, और नए दावेदार के तौर पर ओवैसी उनके सामने चुनौती बन सकते हैं। ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं, और खुद को मजबूत बनाने के लिए वो बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी कर रहे हैं। यूपी में चुनाव को लेकर ओवैसी ने ऐसा दांव चला है कि खुद ओम प्रकाश राजभर भी उनके दावे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई। हालांकि ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है, उन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसकी वजह है उनके उकसाने वाले बयान। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों का आरोप है कि वो ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक गोलबंदी करते हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होता है। ओवैसी साहब का ये जो स्टेटमेंट है ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, इसलिए कि 4.5 साल सरकार को गुजरने के बाद यूपी की आम जनता जो सरकार और सरकार के कामों से मायूस है, ख़ास तौर से कोरोना में देख लीजिए यूपी की आवाम का क्या हाल हुआ है, और एक मैसेज जा रहा है यूपी के अंदर कि इस मरतबा योगी जी की सरकार नहीं आएगी, और मुकाबला नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला यूपी में योगी जी यानी भाजपा और समाजवादी का नज़र आता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ओवैसी पर कुछ ऐसा ही हमला ममता बनर्जी ने भी बोला था। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का डर हुआ तो ममता ने ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया था। माइनॉरिटी से ভোট ভাগ করবার জন্য আমার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি, সেই পার্টিটা আমার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। जिसके बाद ओवैसी ने अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी के इस हमले का जवाब दिया था। मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके।
ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफ़र और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है, उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब ओवैसी अपने ऐसे ही अंदाज के साथ यूपी के सियासी समर में उतर चुके हैं और सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन योगी बार बार कह रहे हैं कि हमले कितने भी हो, 2022 में यूपी में फिर कमल खिल कर रहेगा। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। जीत हार के इन दावों के बीच यूपी की चुनावी बयार ज्यों त्यों आगे बढ़ेगी, बयानबाजी और हमलों का दौर भी तेज होगा। ओवैसी के पहले बयान से ही इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं।